हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सोद। सो आज के सेशन में हम कवर करेंगे ईआर मॉडल, जो कि एनटीए यूजीसी नेट पेपर टू कंप्यूटर साइंस का एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ईआर मॉडल्स क्या होते हैं, क्या इसके इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, एंड क्या इसकी वर्किंग होती है, ये सभी चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड साथ ही मैं आपको 100% श्योरिटी देती हूँ कि इस वीडियो के एंड तक आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे एंड एग्जाम में बहुत ईजी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। तो इसी के साथ सेशन को शुरू करते हैं। सो अगर स्टूडेंट्स आप भी जून 2023 एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हो, तो आपके यूजीसी नेट पेपर टू कंप्यूटर साइंस के प्रिपरेशन के लिए एक रिवीजन क्रैश कोर्स हमने लॉन्च किया है, जिसमें हम आपको 100% सिलेक्शन की गारंटी देते हैं। इस क्रैश कोर्स में हम कंप्यूटर साइंस के टोटल 10 यूनिट्स के फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स आपको देंगे, जिसमें की बहुत ईजी एक्सप्लेनेशन है, स्मार्ट एंड शॉर्ट ट्रिक्स है जो कि एग्जाम में आपको मदद करेगी। फुल सिलेबस नोट्स यहाँ पर हम आपको देते हैं, जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में होंगे। आप इसको इजीली डाउनलोड करके लैपटॉप या मोबाइल में रन करके पढ़ सकते हो। साथ ही आपको फुल सिलेबस मॉक टेस्ट मिलेंगे, जिसमें कि सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी कवर किया गया है एंड इसमें से एज इट इज क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही स्टूडेंट्स ऑल एमसीक्यूज क्वेश्चन बैंक आपको मिलेगा, जिसमें आपको ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स एंड एक्सपेक्टेड टॉपिक्स पर बेस्ड क्वेश्चंस मिलते हैं एंड ये आपके फाइनल रिवीजन में बहुत मदद करेगा। सबसे अच्छी बात इस क्रैश कोर्स की ये है कि इसके साथ हम आपको कंप्लीट पेपर वन बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कराते हैं, जो कि आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में भी जेआरएफ क्वालिफाई करने में आपको मदद करेगा। सो इसके साथ ही ये क्रैश कोर्स आपको डेफिनेटली बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा जून एग्जाम को क्वालिफाई करने में। तो आप सभी स्टूडेंट्स को आज मैं फ्लैट 60% ऑफ दे रही हूँ, यानी कि इस कंप्लीट कोर्स के लिए आपको सिर्फ पे करना है 3999 एंड पेपर वन एब्सोल्युटली फ्री आपको हम देने वाले हैं। इसी के साथ कंप्यूटर साइंस या पेपर वन के फ्री वीडियोस के लिए आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऐप है। इस पे आपको जाना है स्टोर सेक्शन पर, यहाँ पर सर्च बार में लिखना होगा यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस, आपके सामने कंप्लीट कोर्स आ जाएगा। जैसे ही कॉन्टेंट सेक्शन पर जाओगे तो पेपर वन के वीडियोज के साथ साथ आपको पेपर टू के सभी सेपरेट फोल्डर्स मिलेंगे, जो कि डेफिनेटली आपको पसंद भी आएंगे एंड एग्जाम क्वालिफाई करने में ये आपको बहुत ज्यादा मदद भी करेंगे। तो आप आज ही इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए या फिर इन नंबर्स पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो किसी भी तरह की क्वेरीज के लिए। सो सेशन को शुरू करते हैं। सो जैसे कि हम बात करने वाले हैं ईआर मॉडल के। सो हियर ईआर स्टैंड्स फॉर एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। सो एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल क्या होता है? इट इज अ मॉडल फॉर आइडेंटिफाइंग द एंटिटीज टू बी रिप्रेजेंटेड इन द डेटाबेस एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ दीज एंटिटीज आर रिलेटेड। और ये एक हाई लेवल डेटा मॉडल होता है, जो कि हमें मदद करता है अपने डेटाबेस के इंटरनल वर्किंग को समझने के लिए। ठीक है, इसके साथ ही स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको ये भी बता देती हूँ कि एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल में हमारे पास कुछ एंटिटीज होती हैं, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, उनकी वर्किंग क्या होती है एंड क्या क्या प्रोटोकॉल्स को वो फॉलो करते हैं, ये सब चीजें देखी जाती हैं। इसको एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाती हूँ। लेट से हमारे पास एक स्कूल का डेटाबेस है। ओके, सो स्कूल के डेटाबेस में स्टूडेंट्स की सारी डिटेल्स आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल इसमें हम क्या रखते हैं कि स्टूडेंट को हम मानकर चलते हैं ये एक एंटिटी है, राइट? एंड इसी एंटिटी के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, लाइक उनका एड्रेस हो सकता है, स्टूडेंट्स का नेम हो सकता है, उनका रोल नंबर हो सकता है, उनकी एज हो सकती है। सो स्टूडेंट क्या है? स्टूडेंट इज एन एंटिटी हियर एंड स्टूडेंट के ये जितनी भी डिटेल्स होती हैं ये हो सकते हैं उनके एट्रीब्यूट। सो इस तरह से एंटिटी रिलेशनशिप ईआर मॉडल एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम जो है वो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करने में हमें हेल्प करता है। Also, it develops a conceptual design for the database and it also develops a very simple and easy to design view of data. So, how our data is represented, how our data is stored in a database, all these things are easily understandable with the help of an ER diagram, right? So, जैसे मैंने आपको बताया ईआर डायग्राम में कुछ चीजें होती हैं, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ डिफरेंट फिगर्स हमारे पास होते हैं जो कि एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सो एक फिगर अगर हम बात करें इस तरह से, ठीक है, रेक्टेंगल अगर होगा तो रेक्टेंगल हमें बताता है कि ये एक एंटिटी है। सिमिलरली अगर हमारे पास एक एलिप्स है, एलिप्स हमें बताता है उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में।
नेक्स्ट वी हैव अ डायमंड। डायमंड सिंबल क्या बताता है? ये इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बताता है कि एक एंटिटी और एट्रीब्यूट के बीच में क्या रिलेशनशिप है, कैसा रिलेशनशिप है। फोर्थ यहाँ पर है लाइन, ये क्या बताता है? ये एट्रीब्यूट्स और एंटिटीज को लिंक करने में हमें मदद करता है। ओके, सो जैसे कि मैंने अभी एक स्कूल का एग्जाम्पल लिया था, स्टूडेंट के एग्जाम्पल लिया था, सो स्टूडेंट क्या थी? एंटिटी थी। सो इस तरह से हम स्टूडेंट को वहां पर लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद एट्रीब्यूट्स क्या थे? एट्रीब्यूट्स थे स्टूडेंट की एज, स्टूडेंट की आईडी, देयर नेम एक्सेट्रा। ठीक है, सो ये सब चीजें क्या है? ये सब चीजें स्टूडेंट्स के एट्रीब्यूट्स हैं, एंड लाइन क्या कर रही है? इनको मैच करने में, इनको ज्वाइन करने में मदद कर रही है। एक पॉइंट आता है रिलेशनशिप क्या है। रिलेशनशिप को हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि यहाँ पर भी है। ओके, सो आई होप स्टूडेंट्स अभी तक हमने जितना किया ये आप लोगों को समझ आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो वो होते हैं डिफरेंट फीचर्स ऑफ ईआर मॉडल। फीचर्स में से एज इट इज स्टेटमेंट एग्जाम में पूछी जाएगी, सो इसको नोट कर लीजिएगा। पहला फीचर बोलता है कि ईआर डायग्राम्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट ईआर मॉडल इन अ डेटाबेस विच मेक्स देम इजी टू बी कन्वर्टेड इनटू रिलेशंस। रिलेशंस का मतलब है टेबल। अगर हमारे पास डेटा है और उस डेटा को हम ईआर मॉडल में कन्वर्ट करते हैं, सो ईआर मॉडल से वो हमें हेल्प करता है उसको टेबल के फॉर्मेट में कन्वर्ट करने में। ऑल्सो ईआर मॉडल प्रोवाइड्स द पर्पस ऑफ रियल वर्ल्ड मॉडलिंग ऑब्जेक्ट्स विच मेक्स देम आइडेंटली यूजफुल। अब देखो ईआर मॉडल से हमें इस तरह से इजीली समझ आ रहा है कि स्टूडेंट टेबल से हमने कौन कौन से एट्रीब्यूट्स को डिजाइन किया है। ठीक है, यहाँ पर उनका एड्रेस भी हो सकता है, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स है वो इजीली ईआर मॉडल की मदद से हम देख सकते हैं। एंड इसके लिए किसी भी तरह का हमें टेक्निकल नॉलेज या फिर हार्डवेयर सपोर्ट की जरूरत नहीं होती, बस एक यूजर को डायग्राम को समझ आने की नॉलेज थोड़ी सी होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो वो है ईआर मॉडल के डिफरेंट फेजेस। So, ER model में तीन चीजें आती है, एंटिटी, एट्रीब्यूट एंड देयर रिलेशनशिप। एंटिटी हमारे पास वीक एंटिटी भी हो सकती है, स्ट्रॉन्ग एंटिटीज भी हो सकती है। सो एंटिटीज की एक डेफिनेशन आप लोग नोट कर लीजिए। एंड एंटिटी मे बी एनी ऑब्जेक्ट, एनी क्लास, एनी पर्सन और एनी प्लेस। ठीक है, सो एंटिटी कुछ भी हो सकती है। एंड इन एन ईआर डायग्राम एन एंटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज रेक्टेंगल, राइट। इसमें हम कुछ भी देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक एम्प्लॉय को अगर हम लोग एक एंटिटी मानकर चलते हैं, सो हर एक एम्प्लॉय का कोई ना कोई डिपार्टमेंट होगा। ठीक है, डिपार्टमेंट होगा। सो अब जैसे इम्प्लॉय है इस ग्लोबल ऑनलाइन कंपनी में, मैं एक इम्प्लॉय हूँ अंकिता, मेरा डिपार्टमेंट है यूजीसी नेट को संभालना। ओके, सो अब इसके बीच में रिलेशनशिप को हम कैसे डिफाइन करेंगे? सो अंकिता वर्क्स फॉर यूजीसी नेट। सो ये आ गया रिलेशनशिप बिटवीन इम्प्लॉय एंड अ डिपार्टमेंट। आई होप स्टूडेंट्स अब आप लोगों को रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया है। रिलेशनशिप में भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होते हैं, वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू वन एंड मैनी टू मैनी। इसको भी आगे देखेंगे हम। सो सबसे पहले अपने प्रीवियस टॉपिक पर चलते हैं, दैट इज एंटिटी। ठीक है, सो वीक एंटिटी क्या होती है? एन एंटिटी दैट डिपेंड्स ऑन अनदर एंटिटी। अगर एक कोई भी एंटिटी दूसरे एंटिटी पर फुली डिपेंडेंट होती है, ठीक है, फुली डिपेंडेंट होती है, सो उसको वीक एंटिटी बोला जाता है। द वीक एंटिटी डज नॉट कंटेन एनी की एट्रीब्यूट ऑफ इट्स ओन। एंड इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? डबल रेक्टेंगल से। अगर आपके पास एक चीज को, किसी भी चीज को, जैसे स्टूडेंट को सिंगल रेक्टेंगल में लिखा है, दैट इज कॉल्ड एंटिटी। अगर इसी चीज को हम डबल रेक्टेंगल के अंदर लिखते हैं, ठीक है, डबल रेक्टेंगल के अंदर लिखते हैं, तो ये हो जाती है हमारी वीक एंटिटी। वीक एंटिटी मतलब ये फुली डिपेंडेंट है किसी दूसरी चीज के ऊपर। ओके, एट्रीब्यूट्स मैंने बताया, एलिप्सिस को रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड उसके बाद पहला वर्ड है यहाँ पर की एट्रीब्यूट। सो की एट्रीब्यूट इज यूज टू रिप्रेजेंट द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एंटिटी। इट रिप्रेजेंट अ प्राइमरी की।
ठीक है। सो इसको अब आगे आने वाली चीजों को मैं एक ही एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊंगी। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट है यहाँ पर, एंड एट्रीब्यूट लाइक देयर आईडी, स्टूडेंट्स का नेम, उनका एड्रेस, एंड लेट्स से देयर कॉन्टैक्ट डिटेल्स। ठीक है। सो की एट्रीब्यूट क्या होता है, जो प्राइमरी की होती है। ठीक है। अब जैसे कि आईडी हर एक बच्चे की अलग होगी, इसके अलावा हर एक स्टूडेंट का आधार नंबर अलग होगा, तो इसको हम एक की एट्रीब्यूट यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। दूसरा है कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट, एन एट्रीब्यूट दैट, यहाँ पर आप देख लीजिए, एन एट्रीब्यूट दैट कंपोज्ड ऑफ मेनी अदर एट्रीब्यूट्स नोन एज कंपोजिट एट्रीब्यूट। ठीक है। कंपोजिट एट्रीब्यूट्स आर मेड ऑफ मोर देन वन सिंपल एट्रीब्यूट। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स कंप्लीट नेम में हैव फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। सो हमने क्या कर दिया, उसको डिकम्पोज कर दिया, उसी से आप याद रख सकते हो कॉम्पोजिट को। अब जैसे एक एट्रीब्यूट है नेम, नेम में स्टूडेंट का फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम हो सकता है, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, उनके दो कॉन्टैक्ट हो सकते हैं, एक मदर का कॉन्टैक्ट नंबर है, दूसरा उनके फादर का कॉन्टैक्ट नंबर है। सो ये होते हैं कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट। इस एग्जाम्पल में अगर हम देखेंगे, सो कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट स्टूडेंट का नेम हो सकता है। आगे इसको इस तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं, किसी स्टूडेंट के एड्रेस भी दो हो सकते हैं, एक परमानेंट एंड एक टेम्परेरी, सो आप इसको भी डिवाइड कर सकते हो। नेक्स्ट वी हैव मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट मे कंटेन मोर देन वन वैल्यूज, फॉर एग्जाम्पल फोन नंबर एंड ईमेल एड्रेस। ठीक है। इसके अलावा अब इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, देखो एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट किया जाता है एलिप्स की मदद से, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट किया जाता है डबल एलिप्स की मदद से। जैसे कि यहाँ पर हम लिखते हैं फोन नंबर ऑफ अ स्टूडेंट। ओके। लास्ट वी हैव डिराइव्ड एट्रीब्यूट। सो डिराइव्ड एट्रीब्यूट आर द एट्रीब्यूट्स दैट डू नॉट एग्जिस्ट इन फिजिकल डेटाबेस, बट देयर वैल्यूज आर डिराइव्ड फ्रॉम अदर एट्रीब्यूट प्रेजेंट इन दैट डेटाबेस। ओके। सो जिसको हम किसी दूसरे एट्रीब्यूट की मदद से डिराइव कर सकें, उसको हम बोलते हैं डिराइव्ड एट्रीब्यूट। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन की एज समय के साथ साथ चेंज हो सकती है ना। एक स्टूडेंट की एज, फिर से इसको यहाँ पर लिख रही हूँ, स्टूडेंट की जो एज है, यहाँ पर हमने स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ लिख दिया, लेकिन स्टूडेंट की एज हर दिन चेंज हो रही है, तो वो क्या है, ये है एक डिराइव्ड एट्रीब्यूट, क्योंकि ये उनकी डेट ऑफ बर्थ से डिराइव किया गया है। तो आई होप स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट्स आपके सारे क्लियर हो चुके हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके। सो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है फिर हमारे पास रिलेशनशिप। सो रिलेशनशिप आर ऑफ फोर टाइप्स, वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू वन एंड मैनी टू मैनी। So, इसमें वन टू वन की अगर बात की जाए तो ये कैसे हो सकता है, लेट से फीमेल एट्रीब्यूट है ये और दूसरा मेल एट्रीब्यूट है। ठीक है। इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या हो सकता है, वन टू वन रिलेशनशिप होगा। अगर एक फीमेल सिर्फ एक मेल के साथ मैरिड है तो वो क्या हो गया, वन टू वन रिलेशनशिप हम इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग वन टू मेनी का एग्जाम्पल लेकर के चले, सो आप इसमें ये बोल सकते हो कि वन स्टूडेंट मेनी सब्जेक्ट्स। ठीक है। सो वन स्टूडेंट का इसको हम लिखते हैं वन टू मेनी, या फिर इसको वन टू मेनी आप लिख सकते हो, इसको वन टू वन आप लिख सकते हो। ठीक है। सो एक स्टूडेंट अगर मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं तो वो वन टू मेनी रिलेशनशिप है। मैनी टू वन का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, मैनी टू वन में भी हम यही लेकर के चलते हैं कि मैनी स्टूडेंट्स वन कोर्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि यूजीसी नेट एग्जाम में अप्लाई कर रहे हैं, सो मैनी टू वन हम इसको इस तरह से लिख देंगे। ठीक है। मैनी टू मैनी में आ जाएगा, मैनी टू मैनी का एक एग्जाम्पल ही आप लिख सकते हो कि मैनी स्टूडेंट्स एंड यहाँ पर आप लिख सकते हो मैनी स्किल्स। ठीक है। एक स्टूडेंट में मल्टीपल स्किल्स हो सकती हैं,
बहुत सारे स्टूडेंट्स में भी बहुत सारी स्किल्स हो सकती है। अब जैसे कि मैनी स्टूडेंट्स, मान लीजिए यहाँ पर मेरी क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, सभी स्टूडेंट्स में रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छी है। सो वो क्या हो गया, बहुत सारी स्किल्स बहुत सारे स्टूडेंट्स में है। सो दैट इज कॉल्ड मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। सो आई होप स्टूडेंट्स, ईआर मॉडल के जितने कॉन्सेप्ट मैंने बताए ये क्लियर है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। कोई भी क्वेरीज हैं तो भी कमेंट कर दीजिए, मैं आपके रिक्वेस्ट को जरूर पूरा करूंगी। सो आई होप आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स भी देखे होंगे, अगर कोई लेक्चर मिस हो चुका है सो आप इस ऐप को डाउनलोड करके फ्री वीडियोस का एक्सेस भी ले सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी